मैं पंजाबी च बोलांगी क्योंकि मैं पंजाब च हाँ और साडा अमृतसर शहर पहला तो मैं नमन करती हाँ इस शहर नूं क्योंकि इत्थे ये धरती जिहड़ी हैगी है गुरु रामदास जी की धरती है। सो पचोली दे विच मैं आई हाँ तो मैनूं बहुत खुशी हुई है क्योंकि असी वैसे तो हर हर एक जिन्नियां लेडीज़ ने जां जेंट्स ने हर एक नूं बंदा चाहुंदा कि मैं यंग रहां है ना ता उम्र यंग रहां पर जिहड़ी साडी इंडस्ट्री आ उहनां नूं तो बहुत ज़्यादा जरूरत हुंदी है ना चीज़ों की क्योंकि असी वख-वख किरदार करने आ उहदे वास्ते सानूं कदे फेस की जिहड़ी गैटअप हैगी किस तरह की हुंदी आ कदे किस तरह की हुंदी आ कदे सानूं बहुत यंग रोल भी करने पैंदे ने। सो हुण सानूं मेकअप का सहारा नहीं लैना पिया करेगा ते ना टेप का सहारा लैना पिया करेगा ते हुण साडे पंजाब दे विच वी अमृतसर दे विच वी ओह टैक्नीक आ चुकी आ जिहड़ी असी बॉम्बे च देखदे सी जां बाहर हॉलीवुड दे विच वेखदे हुंदे सीगे ते ओह चीज़ मैनूं बहुत खुशी हो रही है साडी इंडस्ट्री लई बहुत वड्डी खुशी की गल आ कि हुण पचोली दे विच अमृतसर दे विच इह टैक्नीक आ गई आ ना हुण सानूं बालां दी फिकर आ कोई भी साडे वाल झड़ गए ने साडे वाल पतले हो गए ने जां सानूं कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी ना सानूं किसी स्किन की कोई प्रॉब्लम आ जे तुहाडा फेस भारा है तो उहनूं तुसीं पतला भी कर सकदे हो ते पतले नूं मोटे भी कर सकदे लिफ्ट कर सकदे हो और बहुत सारियां चीज़ां ने इत्थे तुसीं किसी भी जिहड़े तुहाडे फीचर्स ने उहनां नूं तुसीं होर भी उभार सकदे हो इन्नी सोहणी टैक्नीक आ गई है। ये मैं कदे ग्रंथां च पढ़िया करती हुंदी सी कि बहुत पुराने युग दे विच कोई जादू हुंदा सी छड़ी दे नाल राणियां परियां आउंदियां सी यंग बना दिंदी हुंदियां सी कोई दवाई हुंदी सी बूटी ते 20 साल बंदा पिछे नूं चले जांदा हुंदा सी वह दवाई खा के ऋषि मुनि दे जमाने च पर आ साडा जिहड़ा नवां जमाना है उहदे विच ऐसियां मशीनां आईयां ऐसी टैक्नीक आई है कि तुहानूं हुण कोई गोली खाण दी जरूरत नहीं हैगी बस पचोली दे विच आओ ट्रीटमेंट कराओ और तुसीं देखो तुसीं 20-25 साल पिछे नूं चले जाओगे और मैं तो कहनी इहदे नाल वड्डी गल होर कोई है ही नहीं क्योंकि जदों बंदे दे झुरड़ियां आउंदियां ने बाल चिट्टे हुंदे ने उदों बंदा ना डिप्रैशन च चले जांदा कि अपनी खूबसूरती नूं पुरानियां फोटोआं वेखदा है कि मैं किन्ना सोहणा हुंदा सी मैं बहुत फिट सी मेरे बाल बड़े घने हुंदे सी पर हुण तुहानूं कोई फिकर करन दी जरूरत नहीं पचोली है ना अपने कोल अमृतसर दे विच। सो तुसीं इत्थे आ सकदे हो अपने बालां नूं भी वधिया ट्रीटमेंट दे सकदे हो सोहणे बाल बन जाणगे तुहाडा फेस भी पूरा यंग रहेगा और मैनूं तां बहुत खुशी हो रही है मैं तां अपनी सारी इंडस्ट्री दे विच धुम पा देणी जाके सारियां कलीग जिन्नी वी मेरियां हैगियां ने उन्हां नूं कहांगी कि अमृतसर दे विच पचोली दे विच तुसीं जाओ और हुण तुहानूं बाहर बॉम्बे बुंबे जां कितें दिल्ली कितें भी होर जाण दी जरूरत नहीं अपने पंजाब दे विच ही इह टैक्नीक आ गई है। आई एम डॉक्टर प्रीति सेठ फाउंडर मेंटर पचोली एस्थेटिक्स एंड वेलनेस। सो ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पंजाब में आना और अमृतसर में आज हमने अपनी ओपनिंग करी है और पचोली का नाम पूरे भारत में बहुत है और हमें बहुत खुशी है अमृतसर में आकर और हम बहुत रिसर्च के बाद लेटेस्ट ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं विद वेल ट्रेन्ड टीम एंड विद ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास स्किन से रिलेटेड स्लिमिंग से रिलेटेड हेयर से रिलेटेड यू नेम एनी थिंग जैसे हम बोलते हैं पचोली इज़ अ कम्प्लीट वेलनेस डेस्टिनेशन। सो हम आपकी बॉडी का आपकी स्किन का आपके हेयर का आपकी मेंटल हेल्थ का हम ख्याल रखते हैं और वही सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर आपको कहीं और नहीं जाने देंगे ये सोच के हम यहाँ पर एक बेसिक से बेसिक चीज़ सैलॉन सर्विसेज भी लाए हैं। सो अगर मैं बोलूँ तो 360 डिग्री अप्रोच है हॉलिस्टिक वे से हम आपको हेल्दी बनाएंगे और जैसे कि पचोली का नाम ही है कंप्लीट वेलनेस डेस्टिनेशन सो अब आपको आयुर्वेदा के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हेयर फॉल है जो पहले जो था बुढ़ापे में ज्यादा होता था अभी नौजवान जो उनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं बेसिकली स्ट्रेस हमारा एक मेन कॉज है हेयर फॉल का और हम अपनी डाइट का अपने सोने का अपने स्लीप का ध्यान नहीं रखते हैं। सो हमें इसीलिए अभी एज हेयर फॉल डज नॉट डिपेंड कि आपकी एज क्या है इट डिपेंड्स कि आप अपना कितना ख्याल रख रहे हो अपनी रूटीन का अपनी फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ का सो हेयर फॉल इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। सो हमने आपकी इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं ये नॉन इन्वेजिव है इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है विच इज़ कॉल्ड रीविट स्कैल्प मीनिंग रीवाइटलाइजेशन ऑफ योर स्कैल्प जिसमें हम आपके फॉलिकल्स का
ध्यान रखते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं और ये आपके थिनिंग को भी रोकता है और नए बालों को उगाने में हेल्प करता है। सो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो आफ्टर रिसर्च साइंस बेस्ड है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं। हम बहुत रिसर्च के बाद अपने प्रोडक्ट्स खुद से फॉर्मुलेट कराते हैं और फिर उसको बनाते हैं। सो पचौली पिछले 13 साल से आपको सुंदर बनाने में लगा हुआ है। सो ये प्रोडक्ट भी हमने बहुत टेस्ट एंड ट्राई करके ही लॉन्च किए हैं। हेयर ट्रीटमेंट का जो मैम चार्जेस रहते हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं और साइड इफेक्ट भी बहुत हो जाते हैं, तो वो पचौली भी इसमें कैसे देना? हेयर के कोई साइड इफेक्ट्स तो ट्रीटमेंट के नहीं रहते हैं, आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ से करा रहे हो। और हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारी ये USP है, पहले हम बहुत ही टेलर मेड एंड कस्टमाइज्ड प्रोग्राम बनाते हैं। पहले हम आपकी प्रॉब्लम पूछते हैं, उसके रीजंस जानते हैं। इट कैन बी मेडिकल रीज़न, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी हॉर्मोनल, इट कैन बी हेरिडिटरी। सो हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपका ट्रीटमेंट बनाते हैं। और कोई भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट अगर आप उसको सही मात्रा में सही तरीके से लोगे तो नहीं होगा। और जो हमारा जो अभी हमने रीविट स्कैल्प लॉन्च किया है उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रादर वो आपके जो मसल आपको स्ट्रेस होता है, आपको शोल्डर पेन होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है वो एंटी ग्रेविटी है, सो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कैसे पहुँचाएंगे। सो हमारे पास उसमें वो तकनीक भी है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा आपके स्कैल्प में और आपको रीग्रोथ होगी और आपकी थिनिंग कम हो जाएगी। और मैं जब से अमृतसर में आई हूँ मुझे लगता है हेयर फॉल इज़ अ मेजर मेजर प्रॉब्लम हियर। लोगों को खाने का बहुत शौक है तो यहाँ पर लोग हेल्दी हैं, गुड है वो, बट हमें अपनी बॉडी का वेस्ट रेशो का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने इंचेस लॉस, हमें अपने अगर हम ध्यान रखें तो हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का ख्याल रखना चाहिए। तो उसको नज़र में रखते हुए हमने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट लॉन्च किया विच इज़ कॉल्ड क्रायो टी शॉक। क्रायो मीनिंग हीट, क्रायो मीनिंग कोल्ड एंड टी शॉक मतलब हीट। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का जिसमें ना कि सिर्फ वेट लॉस होता है बल्कि इंच लॉस भी होता है। और ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो आपके किसी भी बॉडी के एरिया में की जा सकती है। आई मीन वी कैन डू स्पॉट रिडक्शन विद दिस ट्रीटमेंट। थैंक यू।